नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ, उस वक्त योगी एक बैठक में व्यस्त थे। बैठक में वो थे, तमाम अधिकारी उनके सामने थे, इसीलिए उन्होंने अचानक अपना काम नहीं छोड़ा। अचानक वो बैठक छोड़कर निकले नहीं, क्योंकि देश को बचाने के लिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एक पिता के जाने के बाद गम उनकी आंखों में साफ तौर पर देखा गया। मुंह पर लिपटा मास्क ये बता रहा है कि अंदर से योगी भावुक थे। आइए दिखाते हैं किस तरह से उस मीटिंग में क्या तस्वीरें सामने आई और आगे क्या हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में 10:44 पर आखिरी सांस ली। लेकिन ये दुखद समाचार जब सीएम को मिला, उस वक्त वो प्रदेश में कोरोना के कहर से निपटने के लिए अपनी कोर टीम के साथ बैठक कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि सूचना के बाद उन्होंने बैठक भंग कर दी हो, बल्कि उन्होंने बैठक पूरी की और अगले आधे घंटे तक सभी की बातें भी सुनी और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। बताया जा रहा है कि जब सीएम योगी को पिता के निधन की खबर मिली, तब वो कोरोना पर टीम 11 के साथ बैठक में व्यस्त थे। पिता के निधन की सूचना मिलने के बाद भी लगभग आधे घंटे तक वो नम आंखों के साथ बैठक करते रहे। उन्होंने राजधर्म को सर्वोपरि रखा। उन्होंने फैसला लिया कि कोटा से लौटे यूपी के बच्चों को घर पर ही क्वारंटीन किया जाए, साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर बच्चों को घर भेजा जाए। बैठक खत्म होते ही उन्होंने मां को एक चिट्ठी भी लिखी। बताया तो ये भी जा रहा है कि बैठक के दौरान अपने मास्क को चेहरे से नीचे रखने वाले योगी आदित्यनाथ ने आज पूरे वक्त मास्क पहना हुआ था। शायद मास्क के पीछे वो एक बेटे के दिल में जो भाव अपने दिवंगत पिता के लिए उमड़ रहे थे, उसे छिपाने की कोशिश में थे। लेकिन कहते हैं कि आंखें सब कुछ कहती हैं। सीएम योगी की आंखें नम थी, लेकिन फिर भी वो राजधर्म निभा रहे थे। उनकी आंखों की उदासी सब कुछ कह रही थी जो वो मास्क के पीछे छिपाने की कोशिश में थे। लेकिन ये सभी भावनाएं उन्हें राजधर्म का पालन करने से नहीं रोक सकी। साथ ही उन्होंने कोविड-19 से लड़ाई को अहमियत देते हुए पिता के अंतिम संस्कार में भाग न लेने का भी फैसला किया। माँ को लिखे खत में यूपी के सीएम योगी ने कहा कि माँ, मैं आना तो चाहता था, लेकिन मेरा कर्तव्य बोध कह रहा है कि पहले मैं देश देखूं। साथ ही उन्होंने परिवार और अपनी माँ से अपील की कि लॉकडाउन का पालन करते हुए परिवार के कम लोग पिताजी की अंत्येष्टि में शामिल हों। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने पिता की मौत की सूचना के बाद भी वो किस तरह से अपना राजधर्म निभाते रहे, नम आंखों के साथ अधिकारियों से मीटिंग करते रहे, लेकिन फिर भी अपना राजधर्म नहीं छोड़ा।